आप उसे आकर्षित नहीं करते जिसे आप चाहते हैं, तो आप हर उस गोल को पूरा कर सकते हैं जो आपके मन में है। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। हेलो ब्रेन बुक आर्मी, स्वागत है आपका ब्रेन बुक चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरी। आज का ये वीडियो राइटर जेम्स एलन की किताब एज यू थिंक पर आधारित है। राइटर जेम्स एलन कहते हैं कि आपकी ताकत आपके मन में छुपी है। एक बार जब आप इस ताकत को पहचान लेते हैं तो इसके जरिए आप अपनी सोच को किस हद तक ले जा सकते हैं और क्या हासिल कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सभी इम्पोर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोबारा दोहराऊंगा, ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, थॉट एंड करेक्टर। राइटर जेम्स एलन कहते हैं कि आप जैसे अपने मन में सोचते हैं आप वैसे ही हो जाते हैं। ये बात इतनी ज्यादा पावरफुल है कि आपकी लाइफ का कोई भी हिस्सा इससे अछूता नहीं है। हर पौधा किसी बीज से उपजता है, बिना बीज के वो उपज ही नहीं सकता। वैसे ही आपका हर काम आपके मन में छुपे हुए विचारों से उपजते हैं। ये बात उन कामों पर भी लागू होती है जिन्हें आप सोच समझ कर करते हैं, और उन पर भी लागू होती है जिन्हें आप बिना सोचे करते हैं। आप जैसे भी हैं वो बस अपने विचारों की वजह से हैं। अगर आप अपने मन में दुख और निराशा वाले विचारों को जगह देते हैं तो फिर जल्दी ही दुख भी उनके पीछे पीछे आपकी लाइफ में चला आता है। लेकिन अगर आपके मन में खुशी और प्रेम के विचार होंगे तो सुख भी अपने आप आपकी लाइफ में चला आता है। अपने आप को आप खुद ही बनाते हैं और खुद ही बिगाड़ते हैं। अपने लिए अच्छे विचारों को चुनकर आप तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, जबकि अपने लिए गलत विचारों को चुनकर आप निचले स्तर की ओर गिरते जाते हैं। राइटर कहते हैं कि आज के युग में इंसान की जो सबसे बड़ी खोज है वो यही है कि आप ही अपने विचारों के निर्माता हैं और आप ही अपने विचारों के मालिक हैं। लेकिन जब आप कमजोरी और बेवकूफी से अपने विचारों का इस्तेमाल करते हैं तो आप ऐसे मालिक की तरह होते हैं जो अपना घर ढंग से नहीं चला रहा होता। वहीं जब आप सोच समझकर ऐसे विचारों के बारे में सोचते हैं जिन पर आपकी लाइफ डिपेंड करती है, तब आप एक समझदार मालिक बन जाते हैं। जिस तरह काफी मेहनत से खुदाई करने और खोजने के बाद ही सोने और हीरों को हासिल किया जाता है, उसी तरह अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपको अपने मन और अपने विचारों की गहराई तक जाना होगा और इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि अपने भाग्य के रचयिता आप ही हैं और अपने फ्यूचर को बनाना या बिगाड़ना सिर्फ आपके अपने हाथों में है। जब आप इस तरह से सोचते हैं तो आपको खुद पर, दूसरों पर, अपनी लाइफ पर और अपनी सिचुएशन पर इसका प्रभाव दिखने लगता है। चैप्टर 2, द इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टांसेस। आमतौर पर आपके मन की तुलना एक बगीचे से की जाती है जिसे सूझबूझ के साथ एक सुंदर बगीचे में बदला जा सकता है या फिर लापरवाही से कटीली झाड़ियों में बदला जा सकता है। लेकिन चाहे बगीचा हो या झाड़ियाँ, वहाँ कुछ न कुछ तो जरूर पैदा होगा। जिस तरह कोई माली अपने खेत को उपजाऊ बनाता है, उसमें उगने वाले खरपतवार को निकालकर फेंक देता है और अपनी मनचाही फूलों का बीज लेकर उनकी फसल उगाता है, उसी तरह आप भी अपने मन की देखभाल कर सकते हैं। अपने मन में नेगेटिव, खराब और काम न आने वाले विचारों को बाहर निकाल कर सक्सेस और खुशी से भरे पॉजिटिव विचारों को अपने मन में डाल सकते हैं। एक बार जब आप अपने मन से नेगेटिव विचारों को बाहर निकाल देते हैं तो आप ये बात साफ साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार आपके विचार आपके कैरेक्टर को, आपकी सिचुएशंस को और आपके भाग्य को आकार देते हैं। दरअसल आपके विचार और आपका कैरेक्टर दोनों एक ही हैं, क्योंकि आपका कैरेक्टर बाहरी सिचुएशंस के जरिए ही सामने आता है। इसलिए आपकी लाइफ की सिचुएशंस हमेशा से ही आपके मन के विचारों के साथ जुड़े रहती हैं। एक इंसान होने के नाते आप इस धरती पर कुछ सीखने और विकसित होने के लिए आए हैं। हर सिचुएशन आपके लिए कोई ना कोई सीख लेकर आती है, और जब आप उस सिचुएशन से सीख कर खुद को ग्रो कर लेते हैं तो वो सिचुएशन अपने आप ही गुजर जाती है। राइटर कहते हैं कि आप उसे आकर्षित नहीं करते जिसे आप चाहते हैं, बल्कि आप उसे आकर्षित करते हैं जैसे आप होते हैं। आपके विचार और आपकी इच्छाएं चाहे अच्छी हों या बुरी,
वो हमेशा आपके मन में जगह बनाकर बैठी रहती हैं। अगर आपकी सोच घटिया और छोटी है तो यही सोच आपको जेल में डाल सकती है, लेकिन अगर आपकी सोच साफ और ऊंची है तो ये आपको देवदूत भी बना सकती है। ज्यादातर हम लोग हालात को सुधारना चाहते हैं, लेकिन खुद को सुधारना नहीं चाहते, इसलिए हम हमेशा अपने हालातों में ही फंसे रह जाते हैं। अगर आप ईमानदारी से खुद की जांच परख करें और खुद को बदलने के लिए तैयार रहें, तो आप हर उस गोल को पूरा कर सकते हैं जो आपके मन में है। इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं। उन्हें हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि उनके घर और बाहर के हालात किस तरह सुधर सकते हैं, लेकिन जहां वो काम करते हैं वहां काम करने में अपना जी चुराते हैं, अपने मालिक और अपने साथियों के आंखों में धूल झोंकते हैं और हमेशा ये शिकायत करते हैं कि उनकी सैलरी बहुत कम है। ऐसे लोग धन और प्रचुरता के उस नियम को समझने की कोशिश ही नहीं करते जो कि सच्ची अमीरी का आधार है। इसलिए ऐसे लोग न सिर्फ अपनी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते, बल्कि आलसी, धोखा देने वाले और शिकायत करने वाले विचारों में पड़े रहने के कारण पहले से भी ज्यादा बदतर हालात को न्योता दे रहे होते हैं। दरअसल लोग ये जानते ही नहीं कि उनके हालात खुद उनके कारण ही बनते हैं, और ये भी कि भले ही उनका गोल खुद का भला करना हो, लेकिन उस गोल को पाने के लिए वो जिन विचारों और इच्छाओं का सहारा ले रहे हैं वो उन्हें अपने गोल तक कभी भी पहुंचने नहीं देंगे। आप सुखी, संपन्न और सफल रहना तभी शुरू करते हैं जब आप शिकायत करना, दोष देना और निराश होना बंद कर देते हैं। चैप्टर 3, द इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन हेल्थ एंड बॉडी। आपका शरीर आपके मन का गुलाम है, ये बस मन द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, चाहे वो सोच समझकर दी गई हो या अनजाने में। हालात की तरह बीमारी और स्वास्थ्य की जड़ें भी आपकी सोच में समाई होती हैं। जिन लोगों को बीमार होने का डर सताता रहता है वो बीमार जरूर पड़ते हैं। चिंता, डर, गंदे और बुरे विचार शरीर में कई तरह के रोगों को जन्म देते हैं। आपका शरीर एक नाजुक उपकरण यानी डिवाइस है, और ये जिन विचारों से प्रभावित होता है उसका असर तुरंत आपके शरीर पर दिखता है। इस तरह विचारों की आदत आपके शरीर पर अपना प्रभाव जरूर डालती है। जब तक लोग अपने मन में बुरे और गलत विचारों को पैदा करते रहेंगे, तब तक उनका खून भी गंदा और अपवित्र होता रहेगा। एक साफ और पवित्र मन से ही स्वस्थ शरीर बनता है। जो लोग अपनी सोच में बदलाव नहीं लाते, उन्हें सिर्फ अपना खान पान बदलने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपके विचार अच्छे होते हैं तो गलत खाना खाने की आपकी इच्छा ही नहीं होती। अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको अपने मन को अलर्ट रखना होगा। अगर आप बिल्कुल तरोताजा और रोग मुक्त रहना चाहते हैं तो आपको अपने मन में अच्छे और पॉजिटिव विचारों को जगा देनी होगी। अपने मन से डर, निराशा और जलन के विचारों को दूर हटाना होगा। जिस तरह एक कमरे को सुहावना और स्वास्थ्यपूर्ण जगह बनाने के लिए आपको उसमें ताजी हवा और सूरज की रोशनी की जरूरत होती है, उसी तरह एक स्वस्थ शरीर और शांत मन के लिए आपको अपने मन में खुशी, कृतज्ञता और शांति से भरे विचारों की जरूरत होती है। शरीर की बीमारियों को दूर करने के लिए एक पॉजिटिव और खुशहाल मन से बेहतर और कुछ नहीं है। डर, निराशा और जलन से भरे विचारों के साथ रहना ठीक वैसा ही है जैसे आपने खुद को किसी जेल में कैद कर रखा हो। वहीं कृतज्ञ रहने, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने, अंदर से खुश होने पर आप खुद को आजाद महसूस करते हैं। जब आपके मन में दूसरों के प्रति किसी प्रकार की गलत भावना नहीं रहती तो आपका हर दिन शांति से गुजरता है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो दो और बातें मैंने द सीक्रेट की बुक समरी कुकू एफएम ऐप पर सुनते हुए सीखी हैं, वो ये हैं कि पहला, ये पॉजिटिव एनर्जी ही पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करती है, और दूसरी बात ये है कि हम अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों में बदलकर जीवन में हर वो चीज पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। तीसरी बात जानने के लिए आप कुकू एफएम ऐप इंस्टॉल कर द सीक्रेट की बुक समरी सुन सकते हैं। ऑडियो शोज ना सिर्फ हमारा टाइम बचाते हैं बल्कि कुकू एफएम पर आपको मिलती हैं 1000 से भी ज्यादा बुक समरीज, इंस्पिरेशनल बायोग्राफीज और भी बहुत कुछ, और वो भी सिर्फ एक बुक की कीमत में। यही नहीं, इन ऑडियो बुक्स को आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी सुन
सुन सकते हैं। इस ऐप की सालाना सब्सक्रिप्शन 399 रुपए है, पर अगर आप BB50 कोड को यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट, यानी कि अब आपकी सालाना सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपए की होगी, जो कि रोज के 1 रुपए से भी कम है। याद रखें, ये स्पेशल 50% डिस्काउंट सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही है। तो देर मत कीजिए और इस स्पेशल डिस्काउंट का फायदा उठाकर अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव लाएं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर कुकू FM ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर 4, थॉट्स एंड पर्पस। राइटर कहते हैं कि जब तक विचारों को किसी पर्पस के साथ नहीं जोड़ा जाता, तब तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं हासिल की जा सकती। दुनिया में ज्यादातर लोग बिना किसी पर्पस के यूं ही अपनी लाइफ बिता देते हैं। जिन लोगों के पास कोई निश्चित गोल नहीं होता, वो आसानी से डर, निराशा और चिंता के शिकार हो जाते हैं। ये सब कमजोरी के लक्षण हैं, जो किसी इंसान को दुख और परेशानी की ओर ले जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आपके पास कोई ना कोई पर्पस हो और उसे पूरा करने के लिए आप कोशिश जरूर करें। अपना पूरा फोकस अपने पर्पस पर लगाएं। अपने पर्पस को हासिल करने में हो सकता है आपको कई बार फेलियर का सामना करना पड़े, लेकिन जब तक आप अपनी कमजोरी पर जीत हासिल नहीं कर लेते, तब तक आपके फेल होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस प्रोसेस के दौरान आप पहले से ज्यादा बेहतर होते जाएंगे और आपको खुद को ग्रो करने का मौका मिलेगा। राइटर का कहना है कि अगर आप अभी तक अपने पर्पस को नहीं ढूंढ पाए हैं, तो फिलहाल आप जो काम कर रहे हैं उसी काम को परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश करें, क्योंकि इस तरीके से आप अपने विचारों को केंद्रित करना सीख सकते हैं। अगर आप ऐसा कर पाए तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिस पर आप अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। कमजोर से कमजोर इंसान भी जब अपनी कमजोरी को जान लेता है, तो प्रैक्टिस के जरिए वो खुद को बेहतर कर सकता है और सक्सेस के रास्ते पर बिना रुके आगे बढ़ सकता है। जिस तरह शारीरिक रूप से कोई कमजोर इंसान अच्छे भोजन और एक्सरसाइज की मदद से अपने शरीर को मजबूत बना सकता है, उसी तरह एक कमजोर सोच रखने वाला इंसान सही सोच का इस्तेमाल करके और बार बार उसकी प्रैक्टिस करके अपनी सोच को मजबूत कर सकता है। इसी के द्वारा उन लोगों के लेवल तक पहुंचा जा सकता है जो अपने फेलियर को सक्सेस में बदलना जानते हैं और जो किसी भी सिचुएशन में आगे बढ़ना जानते हैं। एक बार जब आपको अपना पर्पस मिल जाए, तो उसे हासिल करने के लिए बिना किसी डर और शंका के आगे बढ़ते जाएं। डर और शंका के विचारों से आप कभी भी कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते। ऐसे विचार हमेशा आपको फेलियर की तरफ ही ले जाते हैं। आप कोई काम तभी पूरा कर सकते हैं जब आपको खुद पर ये विश्वास होगा कि आप उस काम को पूरा करने के काबिल हैं। लेकिन डर और शंका आपके विश्वास और आपकी समझ के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसलिए जब तक आप अपने मन से ऐसे विचारों को बाहर नहीं निकाल देते, तब तक आप अपने पर्पस को हासिल करने में सफल नहीं हो सकते। लेकिन जब आप अपने डर पर जीत हासिल कर लेते हैं, तब आप हर परेशानी का सामना डटकर कर सकते हैं और समझदारी से आगे बढ़ सकते हैं। चैप्टर 5, थॉट एज अ फैक्टर इन अचीवमेंट। आपके अचीवमेंट्स और आपके फेलियर्स दोनों ही आपकी सोच का नतीजा है। आपकी ताकत या आपकी कमजोरी, आपकी सेहत या आपकी बीमारी, सभी आपकी खुद की देन है, क्योंकि इन्हें आपने ही अपने अंदर डाला है और आप ही इनमें बदलाव ला सकते हैं। आपके हालात भी खुद ही आपके बनाए हुए हैं, किसी और के नहीं। आपके दुख और आपके सुख आपके अंदर से ही उपजे हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। कोई ताकतवर इंसान तब तक किसी कमजोर इंसान की मदद नहीं कर सकता जब तक वो कमजोर इंसान खुद मदद पाने की इच्छा ना रखता हो। हालांकि मदद मिलने के बाद भी उस कमजोर इंसान को ताकतवर तो खुद के बलबूते पर ही बनना होगा। उसे कोशिश और मेहनत करनी होगी, तभी वो अपने हालातों को बदल सकता है और कमजोर से ताकतवर बन सकता है। अपनी सोच को बड़ा करके ही आप बड़े बन सकते हैं और जीत सकते हैं और अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सोच छोटी होगी, तो आप हमेशा दुखी और निराश ही रहेंगे। जब तक आप अपनी सोच को बड़ा नहीं करते, तब तक आप अपने अंदर छिपी ताकत को नहीं पहचान सकते और ऐसे में आप जो भी काम करते हैं उसमें सक्सेस मिलना आपके लिए मुश्किल होता है। आपकी सोच जितनी बड़ी होती है, आपकी सक्सेस भी उतनी ही बड़ी होती है। अचीवमेंट चाहे कैसी भी हो, वो आपकी कोशिशों और आपकी सोच का ही नतीजा होता है।
अच्छी और पॉजिटिव सोच आपको तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाती है और वहीं नेगेटिव सोच हमेशा आपको पीछे की ओर धकेलती रहती है। राइटर कहते हैं कि बिना किसी त्याग और बलिदान के आप तरक्की नहीं कर सकते और ना ही कोई अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। जिन्हें कोई सफलता हासिल नहीं होती, निश्चित रूप से उन्होंने कोई त्याग और बलिदान नहीं दिया होता। और जो लोग बहुत ज्यादा अचीवमेंट हासिल करते हैं, वो बहुत ज्यादा त्याग और बलिदान देते हैं। चैप्टर 6, विजन एंड आइडियल्स। जो लोग अपने दिल में सुंदर सपने पालते हैं और जिनके पास बड़े गोल्स होते हैं, एक ना एक दिन वो उन्हें पूरा कर ही लेते हैं। जैसे कि कोलंबस ने एक नई दुनिया का सपना देखा था और उसने उसे ढूंढ निकाला। राइटर कहते हैं कि हमेशा अपने सपनों को संजो कर रखें और उनके पूरा होने पर विश्वास करें। अगर आप अपने सपनों और इमेजिनेशन के साथ बने रहें, तो आपके सपने जरूर पूरे होंगे। हमेशा बड़े सपने देखें, क्योंकि जैसे सपने आप देखेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। आपका सपना इस बात का संकेत है कि एक दिन आप क्या बनने वाले हैं। आपके गोल्स ये डिसाइड करते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। इस दुनिया में बनने वाली हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीज के बारे में कभी ना कभी किसी ने सपना देखा होगा, जिसे उसने हकीकत में बदला। जिस तरह एक बड़े से पेड़ का जन्म एक छोटे से बीज से होता है, उसी तरह दुनिया में हर बड़ी से बड़ी खोज की शुरुआत एक सपने से ही होती है। हो सकता है कि अभी आपको ऐसा लगे कि आपके हालात ऐसे नहीं है कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें, लेकिन अगर आप अपने मन में अपने सपनों को बना कर रखेंगे और अपनी नजर हमेशा अपने गोल्स पर रखेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने सपनों को पूरा ना कर पाए। आपके सामने चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, आप अपने विचारों के दम पर ही उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं या उसी सिचुएशन में पड़े रह सकते हैं। आप उतने ही बड़े बनेंगे जितनी बड़ी आपकी सोच होगी और उतने ही छोटे रहेंगे जितनी छोटी आपकी सोच रहेगी। जो लोग अज्ञानी और आलसी होते हैं, उनका ध्यान बस बाहरी प्रभाव पर ही होता है और ऐसे ही लोग नियति और भाग्य की बातें करते हैं। जैसे किसी अमीर इंसान को देखकर ऐसे लोग कहेंगे कि वो बहुत भाग्यवान है और भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। ऐसे लोग दूसरों के परिणामों पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन लोगों ने कितना कुछ किया, कितनी कोशिशें की और उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल ऐसे लोग सिर्फ रिजल्ट की ओर देखते हैं और उस प्रोसेस पर ध्यान नहीं देते जिस पर चलकर वो कभी सक्सेसफुल बन सकते हैं, बल्कि इसके बजाय वो इसे भाग्य का नाम दे देते हैं। हमारे हर काम में कोशिश लगती है और उसी के अनुसार हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। हम जितना ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, हमें उतने ही ज्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं। जिस चीज को आमतौर पर भाग्य या वरदान कह दिया जाता है, दरअसल वो हमारे एफर्ट्स यानी कोशिशों का ही नतीजा है। असल में वो ऐसे सपने होते हैं जिन्हें साकार कर लिया गया है। जिस सपने को आप अपने दिलो दिमाग में जगा देते हैं, वही सपने आपकी लाइफ को बनाते हैं। चैप्टर 7, सेरेनिटी। जितना ज्यादा आप खुद को जानने लगते हैं, आप उतना ही ज्यादा शांत होते जाते हैं। जैसे जैसे आप ये जानने लगते हैं कि आप जो भी कुछ हैं, वो अपने विचारों का ही परिणाम है, आप वैसे वैसे घबराना, चिंता करना और शिकायत करना बंद कर देते हैं और ज्यादा शांत, स्थिर और संतुलित महसूस करते हैं। आप जितना ज्यादा शांत होते हैं, आपकी सफलता और आपका प्रभाव उतना ही बड़ा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जब एक सेल्समैन शांत रहना और पेशेंस रखना सीख लेता है, तब उसकी सेल्स बढ़ने लगती है और वो सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ता जाता है। क्योंकि आम तौर पर लोग ऐसे लोगों के साथ बातचीत करना और चीजें खरीदना पसंद करते हैं जो शांत हो और जिनके अंदर पेशेंस हो। स्थिर और शांत लोगों को हमेशा रिस्पेक्ट मिलती है। ऐसे लोग किसी तूफान में शरण देने वाले चट्टान की तरह होते हैं। शांत और अच्छे स्वभाव वाले इंसान को हर कोई पसंद करता है। ऐसे लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके सामने क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा शांत और स्थिर रहते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने गुस्सैल और चिड़चिड़े स्वभाव के कारण अपनी लाइफ को कड़वा और कठिन बना रखा है। ऐसे लोगों ने अपने अंदर की शांति को खो दिया है और अपनी लाइफ को गलत विचारों से भर लिया है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग अपनी समझ की कमी के कारण ही अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं और अपनी खुशियों का गला घोट रहे हैं। अब यहाँ ये बात सच है कि गुस्सा होना
दुखी होना या किसी बात की चिंता करना बहुत आम बात है, लेकिन जो इंसान शांत, स्थिर और बैलेंस्ड होता है वो अपने मन में उठे ऐसे विचारों को कंट्रोल कर सकता है और सिचुएशन चाहे कैसी भी हो वो हर सिचुएशन में अपने मन को शांत रख सकता है। इस बात को याद रखें कि अपने जहाज के कप्तान आप ही हैं और अपनी लाइफ को किस ओर ले जाना है ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा, तो चलिए सारी इम्पोर्टेंट बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। आप जैसे अपने मन में सोचते हैं आप वैसे ही हो जाते हैं। आप सुखी, संपन्न और सफल रहना तभी शुरू करते हैं जब आप शिकायत करना, दोष देना और निराश होना बंद कर देते हैं। अगर आप बिल्कुल तरोताजा और रोग मुक्त रहना चाहते हैं तो आपको अपने मन में अच्छे और पॉजिटिव विचारों को जगह देनी होगी। जब तक विचारों को किसी पर्पस के साथ नहीं जोड़ा जाता तब तक कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं की जा सकती। अपनी सोच को बड़ा करके ही आप बड़े बन सकते हैं। अपने जहाज के कप्तान आप ही हैं और अपनी लाइफ को किस ओर ले जाना है ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको एज यू थिंक बुक पर बना ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्दी आपके लिए एक नया लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।